रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस नुक्कड़ सभा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा किया और चुनावी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने बटैहर, भुक्कड़ और नुक्कड़ सभा के दौरान जमकर कांग्रेस पर हमले किए और आरोप लगाया कि शिमला में गत दिनों हुए दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्योंकि सीएम ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति करेगी तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि कुछ दिनों में जांच की रिपोर्ट आएगी तो कांग्रेस को भी प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। राजनीति करती है और मुझे लगता है जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने फटाफट एसआईटी का गठन भी किया, जांच के आदेश भी जारी किए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारी सरकार ने लगातार न्याय जनता के साथ करने का प्रयास किया है और कांग्रेस अगर राजनीतिकरण इस विषय का कर रही है तो कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। अगर कुछ लोग इस तरह की राजनीति करेंगे और षड्यंत्र होगा तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। दूसरी एक बात मैं कह दूं, अगर कुछ दिनों के अंदर जब इस जांच की रिपोर्ट आएगी और मैजिस्ट्रेट के सामने भी अगर विक्टिम ने बयान दिए हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस को उसमें देखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के सतपाल सत्ती पर की जा रही टिप्पणियों पर अनुराग ठाकुर ने तलखी दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं पा रही है और बहुत जैसे लोग कांग्रेस की सभाओं से उठकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से दुखी होकर वोटर हर दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होना बताता है कि फिर से एक बार देश में मोदी सरकार बने। मुझे लगता है कांग्रेस अपना घर संभाल ले तो बहुत है, बहुत सारे लोग उनकी सभाओं में से उठ के चले जाते हैं, एक दूसरे को कांग्रेस के नेता देखने के लिए राजी नहीं है। आपसी फूट इतनी बढ़ गई है कि जिसका आपको असर देखने को मिलेगा 19 मई के मतदान में, जब रिजल्ट निकलेगा तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के लोगों ने भी देश हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा देश मजबूत हो। कोई अब ये नहीं चाहता कि देशद्रोह का कानून खत्म कर दिया जाए, फौजियों के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में बदलाव कर दिए जाए, ना कोई अपनी फौज का नुकसान ना कोई अपने देश का नुकसान देखना चाहता है। इसलिए जो कांग्रेस के वोटर भी थे, रोज हर सभा में एक दिन में कम से कम 50 से 100 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये थोक में कांग्रेस के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का भाजपा में आना दिखाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मन से चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बने और भारत मजबूत बने। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बीजेपी पर नशों को बढ़ावा देने के बयानों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में नशे की पोत लगाई थी, जिसमें परिणाम अब आए हैं, लेकिन बीजेपी ने नशों को खत्म करने के लिए खेलों का बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक साल के कार्यकाल में पिछले 5 सालों से अच्छा रिकॉर्ड मिलेगा और पुलिस ने चिट्टे के केसों में भी ज्यादा लोग पकड़े हैं। कांग्रेस ने लगाई थी, उसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ा। और देखिए, कांग्रेस के समय खेल स्टेडियमों पर ताले लगते थे, कांग्रेस के नेता गुंडे भेजते थे, अपने बच्चों तक को भेजते थे और कब्जे करवाते थे। ये स्टेडियम तो बना नहीं पाए लेकिन ताले लगवाने का काम कांग्रेस ने किया। हमने खेल महाकुंभ कराया तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस खेलों के विरोधी और नशों के समर्थक है, क्योंकि इनके समय नशे का जितना व्यापार बढ़ा उससे युवाओं को लत लगी। जब से भाजपा की सरकार आई हमने लगातार कार्रवाई की। आप एक साल की भाजपा की कार्रवाई देखिए और कांग्रेस के 5 साल की, आपको कई गुना अच्छा रिकॉर्ड नजर आएगा कि हमने बाहर से जाकर भी चिट्टा बेचने वालों को पकड़ा है और आगे भी कार्रवाई करेंगे।